हेलो एवरीवन, वेलकम। सो हम लोग रिएजेंट्स पढ़ रहे थे। रिएजेंट्स में हमने दो लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें कि हमने घटना रिएजेंट पढ़ा था और एल सेलेक्टेड या के सेलेक्टेड पढ़ा था। आज ये थर्ड लेक्चर होगा जिसमें कि हम बात करेंगे क्रैम स्टूल के बारे में। तो क्रैम स्टूल हमें क्या कहते हैं, देखो क्रैम स्टूल, सबसे पहले क्रैम स्टूल यूज किस लिए होता है। देखो क्रैम स्टूल हमारा यूज होता है किसके लिए, अगर हमें स्टीरियो सेलेक्टिविटी निकालनी हो, किसके केस में, असाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के केस में अगर हमें स्टीरियो सेलेक्टिविटी निकालनी हो। अब यहाँ से टर्म आती है कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होता है। देखो स्टीरियो सेलेक्टिविटी मतलब क्या होता है, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है और एक प्रोडक्ट हमारा माइनर होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ए एंड बी, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, इसी को हमें सेलेक्ट करना है और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो यहीं से हमें टर्म मिलती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो क्रैम स्टूल होता है वो असाइक्लिक सिस्टम्स की, असाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के, मतलब असाइक्लिक मॉलिक्यूल्स टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए, उसमें स्टीरियो सेलेक्टिव निकालने में वही हेल्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रैम स्टूल। तो एग्जांपल से देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने लिखा मिथाइल लिखा यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे डैश पोजिशन एच लिखा, यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लगाया और यहाँ पे लगाया सी एच। अगर हमने यहाँ पे एल आई एल एच फोर डाल दिया, एल आई एल एच फोर क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या देगा, हाइड्राइड आयन देगा, मतलब एच नेगेटिव देगा। तो एच नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा और इसको एसिड कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा देखो वो क्या बनेगा, मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे ओ एच एंड यहाँ पे एच। अब बात आती है जो स्टीरियो के, स्टीरियो से हमें स्टीरियो लिखनी है, ओ एच बॉन्ड है जो वो डैश पे आएगा या एच पे आएगा, तो वो डिसाइड करता है, मतलब क्रैम स्टूल वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी बताता है। मतलब एक तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है और एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एम ई एच, और यहाँ पे क्या बनेगा, ओ एच डैश पे आएगा और एच हमारा एच पे आएगा और यहाँ पे सी एच थ्री। तो हमारे जो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी। मतलब इसमें से हमें बताने कि एक प्रोडक्ट मेजर होगा और एक प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला प्रोडक्ट है जो हमारा माइनर प्रोडक्ट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप देख के बता सकते हैं कब वो मेजर बनेगा कब माइनर बनेगा। तो हाँ जी हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, क्रैम स्टूल से बता सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि क्रैम स्टूल हमारा लगेगा कहाँ पे, तो जहाँ पे लगेगा पहले कंडीशन देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्रैम स्टूल होता क्या, कैसे अप्लाई करता है। मतलब कंडीशन में आपके पास क्या आना चाहिए, कोई भी जो कार्बोनिल ग्रुप है, हमारे पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा उसकी अल्फा पोजीशन पे या फिर उसकी बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक काइरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास ये कंडीशन है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और अल्फा या बीटा पोजीशन में हमारे पास क्या है, काइरल सेंटर है, तो वहां पे हमारा क्रैम स्टूल क्या होगा, वैलिड होगा। सिर्फ हमें ये कंडीशन चाहिए होती है किसके लिए, क्रैम स्टूल को, क्रैम स्टूल के लिए क्या, एक तो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए हमारा और जो अल्फा एंड बीटा पोजीशन है वहां पे हमारा क्या होना चाहिए, कार्य सेंटर होने से। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने ये बनाया डबल बोन ओ और यहाँ पे मैंने बनाया मिथाइल और यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली पोजीशन अल्फा होगी, मतलब कार्बन के साथ में जो कार्बन होती है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो जिसके साथ में पोजीशन होगी अल्फा कार्बन होगी। अब अल्फा कार्बन का ग्रुप देखो, ये वाला कार्बन है, ये देखो कैसा है, ये हमारा काइरल कार्बन है, कैसे इस पे देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है। एक तो ये लगा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला कार्बन उठा रही हूँ, देखो ये वाला कार्बन है, इसके यहाँ एक साइड इथाइल लगा हुआ है, एक साइड हमारा मिथाइल लगा हुआ है, एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक साइड कार्बोनिल वाला ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं सारे डिफरेंट ग्रुप्स हो गए और जो काइरल सेंटर होता है वो यही कहता है कि जो हमारा कार्बन है उसके जो चारों ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो वो क्या होता है, हमारा काइरल कार्बन होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कार्बन हो गए काइरल हो गए, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब यहाँ पे हम क्रैम स्टूल लगा सकते हैं, हमारा क्रैम स्टूल यहाँ पर क्या होगा, वैलिड होगा, राइट। या फिर आप यहाँ पोजीशन बोल सकते हो या फिर जे वाली पोजीशन होगी बीटा पोजीशन पे, अगर हमारा बीटा पोजीशन पे होगा कोई भी हमारा काइरल सेंटर होगा तब भी क्रैम स्टूल वैलिड होगा। मतलब मैंने कौन सी पोजीशन बोली, अल्फा बीटा पोजीशन बोली, ठीक है। अब इसके लिए जो रूल्स है, पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए क्या क्या रूल्स है, उसके बाद ही हम अप्लाई करना सीखेंगे ना। देखो रूल्स है जो हमारे वो क्या है, पहले तो आपको क्या करना है, गिव स्मॉल मीडियम एंड लार्ज डिनोट करने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप की ग्रुप बताने है कि स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, स्मॉल को हम एस से डिनोट करेंगे, मीडियम को हम एम से डिनोट करेंगे और लार्ज को हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है, आपको ऐसे डिनोट करना है। जो थर्ड कंडीशन आती है हमारी वो क्या है, जो हमारा लार्ज ग्रुप होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा एंटी होना चाहिए, किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, हमारा लार्ज ग्रुप है जो वो एंटी होना चाहिए, जो लार्ज ग्रुप है हमारा। पहले हम क्या करेंगे, पहले रूल्स देखो उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे करना है। पहले क्या करेंगे, स्मॉल मीडियम और लार्ज बता दो उनके साइज के अकॉर्डिंग, उसके बाद उनको एसएमएल मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज लिख दो, उसके बाद जो लार्ज ग्रुप है उसको क्या करना है, एंटी करना है, किसके, कार्बोनिल ग्रुप का एंटी करना है,
जो फोर्थ पे रूल है वो हमारा क्या है, अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम क्या करेंगे, जो अटैक करेंगे हम वो कहाँ से करेंगे, स्मॉल ग्रुप साइड से करेंगे, जहां पर स्मॉल ग्रुप हमारा लगा हुआ है वहां से अटैक करेंगे, ठीक है, स्मॉल ग्रुप साइड से हमारा अटैक करना, अगर लार्ज ग्रुप हमारा एंट्री होता है। तो देखो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे करेंगे। देखो हम जैसे कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया आपके पास, डबल विंडो CH3, यहाँ पे मैंने लिखा मिथाइल और यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है। अब मेरे को पहले ये बताओ कि यहाँ पे जो हमारा क्रैम्स रूल है वो हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप क्रैम्स रूल लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा कार्बोनिल है, ठीक है, और अल्फा पोजिशन हमारा क्या है, कायरल सेंटर है। अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है मतलब यहाँ पे क्रैम्स रूल लगेगा, अगर क्रैम्स रूल लग रहा है तो हम लगा लेते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, पहले हमें क्या करना है, स्मॉल विंडो में लार्ज ग्रुप बताना है कौन से है। देखो ये एच क्या है, हमारे पास कौन कौन से ग्रुप है इस कार्बन पे, देखो एच है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है और इथाइल है, तो आप लिखो यहाँ पे इथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन, ठीक है। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, हमारा सबसे छोटा हमें पता है हाइड्रोजन, तो उसको हम लिखेंगे स्मॉल मतलब एस हो गया, ठीक है। मिथाइल उससे बड़ा होगा तो या फिर होगा मीडियम और हम इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लार्ज ग्रुप, तो लार्ज कौन सा हमारा इथाइल, तो हम लिखेंगे लार्ज मतलब किससे डिनोट करेंगे हम एल से, तो हमने ग्रुप्स को डिनोट कर दिया स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, तो यहाँ पे भी कर दो स्मॉल, ये हो गया मीडियम एंड ये लार्ज। अब हमें क्या करना है, जो लार्ज वाला ग्रुप है मतलब ये वाला ग्रुप है जो लार्ज वाला, उसको क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप की क्या करना है, एंटी करना है। अब इसका एंटी कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है, आपको स्टीरियो थोड़ी बहुत आती होगी इसके लिए, तो देखो इथाइल को आप इस जो ऐसे ग्रुप बनाया हुआ है उसको आप इथाइल लिख लो ताकि आपको ईजी हो जाए करने में। तो देखो आपको कैसे दिया हुआ है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है इथाइल वाला है किसमें, प्लेन में है, तो मैंने लिखा ऊपर इथाइल, ठीक है। जो ये वाला बॉन्ड है ये किस पे है, वेज पे, मिथाइल वाला डैश पे मतलब कहाँ पे आएगा, आगे आएगा, ठीक है। और ये डैश पे मतलब पीछे वाली साइड होगा डैश पे, तभी मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और फिर ये हमारे कार्बोनिल बन गया और ये CH3 बन गया, मतलब मैंने इसको क्या किया, सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में इसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जो लार्ज वाला ग्रुप है मतलब इथाइल वाला ग्रुप लार्ज हो गया, ये कौन सा हमारा मीडियम हो गया और ये हमारा स्मॉल ग्रुप है। अब जो लार्ज वाला ग्रुप है उसको क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप के एंटी करना है। अब इसको एंटी कैसे करेंगे, इसको एंटी करेंगे देखो स्मॉल मेथड बता देती हूँ इसका क्या है। देखो ये वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, एंटी हो गया, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन है ये यहाँ पर चला जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा इससे आपका। देखो क्या बनेगा हमारा, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया, मिथाइल यहाँ पर चला गया, देखो मिथाइल यहाँ पर चला गया, हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया और नीचे आ गया इथाइल, ठीक है। और ये कैसे है, ऐसे हो गया CH3, ऐसे हो गया हमारा। तो ये वाला लार्ज ग्रुप है ये क्या हो गया, एंटी हो गया इसके, ये स्मॉल ग्रुप हो गया, ये मीडियम ग्रुप हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला, जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो कहाँ से होगा, स्मॉल ग्रुप साइज से होगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन से है इसमें, एच नेगेटिव मतलब हाइड्राइड नेगेटिव, तो इसका अटैक होगा स्मॉल ग्रुप साइज से, स्मॉल ग्रुप कौन सा, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन हमारा कहाँ लगा हुआ है, देखो ये आगे लगा हुआ है, तो मतलब ये क्या हुआ, वेज पे हुआ और ये मिथाइल गया हुआ है डैश पे गया, तो जो मतलब हाइड्रोजन आएगा वो कहाँ से आएगा, वेज पोजिशन से ही आएगा, क्योंकि जो स्मॉल ग्रुप वाली साइड की जहाँ पे लगा होता है वहीं से आता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ हमारा मिथाइल है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा इथाइल है, ठीक है, प्लेन में है। अब यहाँ पे ओ नेगेटिव आ गया और एच नेगेटिव ने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो क्या बना, ओ नेगेटिव बना, यहाँ पे एच लगा और यहाँ पे लगा CH3। तो जो ये एच आया है, अब इसके पास क्या कंडीशन थी, या तो ये वेज से आ सकता है या डैश से आ सकता है। देखो हमने क्या बोला कि ये स्मॉल ग्रुप साइड से आएगा, स्मॉल ग्रुप कहाँ पे, वेज पे, तो इसने क्या किया, ये कहाँ से आएगा, वेज पे से आएगा, मतलब ये यहाँ पे आएगा और ये डैश पे जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। अब देखो एक बात और है, हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें कैसे बनेंगे दो प्रोडक्ट, ये देखते हैं पहले। देखो आपके पास क्या था, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। और हमने क्या किया, LiAlH4 का अटैक करवाया जिसमें कि हाइड्राइडाइन आएगा जो यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे चला जाएगा। अब आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, या फिर हाइड्रोजन जो है वो वेज पे आएगा, ये डैश पे आएगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन हमारा वेज पे है और ये बॉन्ड है हमारे डैश पे, ठीक है। अब जो हमें हाइड्राइडाइन का अटैक करना है, तो इससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, देखो ये बना फिनाइल, यहाँ पे ओ डैश पे आया, एच वेज पे आया और यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है। एक तो ये प्रोडक्ट बना हमारे पास, और एक क्या बनेगा, यहाँ पे मिथाइल आया, ये एच या फिनाइल, और एक हमारा क्या बन रहा है, ये ओ एच है जो ये डैश पे आएगा, सॉरी वेज पे आएगा, और एच हमारा डैश पे आएगा और ये CH3। हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे अगर हम सिंपल हाइड्राइडाइन का अटैक करवाते हैं। लेकिन आपको पता है जो क्रैम्स रूल है वो क्या कहता है, क्रैम्स रूल हमें ये कहता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, अगर लार्ज ग्रुप एंटी कार्बोनिल के, तो वो अटैक करेगा कहाँ से, जहाँ पे हमारा स्मॉल ग्रुप है, तो स्मॉल ग्रुप हमारा कहाँ पे, वेज पे है। तो इसमें देखो स्मॉल ग्रुप आपका कहाँ पे है, वेज पे है, ये वाला है ना स्मॉल ग्रुप, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया वेज वाली पोजिशन से, तो मतलब जो ये वाला प्रोडक्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टीरियो बता सकते हो, यही कहती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ।
देखो आपको ये दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास फिनाइल, और यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास मिथाइल, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ एंड आर। आर को आप कुछ नहीं मान रहे हो, आर को आप सी एच थ्री लिख लो यहाँ पे, ठीक है। देखो हमने क्या किया, अब इसके अंदर एल आई एल एच फोर का अटैक करवाना है। अब ये बताओ जो एल आई एल एच फोर है वो कहाँ से अटैक करेगा, इस पे क्रैम्स रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखो पहले तो हम इनको कैसे कैसे करेंगे, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज ग्रुप डिफाइन कर दें इनका। देखो यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन है और ये अल्फा पोजिशन है, हैस पे अल्फा पोजिशन में हमारा किया है काइरल सेंटर है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या लगेगा, क्रैम्स रूल वैलिड है। उसके बाद देखते हैं, देखो ये कार्बन ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप हो गया, ये हमारा मीडियम हो गया, और जो फिनाइल है ये हमारा लार्ज ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो लार्ज ग्रुप है उसको क्या करना है, हमें एंटी करना है। तो एंटी आप कैसे करोगे, देखो ये ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको एंटी करना है, मतलब लार्ज ग्रुप को यहाँ पे करना है, तो इसको रोटेट कर दो ऐसे, मतलब फिनाइल यहाँ पे आएगा, मिथाइल यहाँ पे चल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल है ना। तो देखो कैसे होएगा, फिनाइल नीचे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे गया, और मिथाइल यहाँ पे आ गया, और ये हो गया कार्बनिल और ये हो गया सी एच थ्री, ठीक है, हो गया ये। अब जो कार्बनिल ग्रुप है ये फिनाइल ग्रुप क्या हो गया, एक दूसरे के एंटी हो गए। अब हमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का हमारा कौन है, एल आई एल एच फोर, मतलब हाइड्राइडाइन है न्यूक्लियोफाइल। अब जो हमें अटैक करवाना है किस सही जाएगा, देखो यहाँ से भी हमारे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पे अटैक करेगा ये ऐसे चल जाएगा, हमारे प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल हाइड्रोजन एंड फिनाइल, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ओ नेगेटिव एच सी एच थ्री प्लस में मिथाइल हाइड्रोजन फिनाइल, और यहाँ पे बनेगा ओ नेगेटिव एच एन सी एच थ्री। अब देखो इसकी स्टीरियो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे तो मैंने क्या किया, ओ एच डैश वेज पे कर दिया, और ये डैश पे कर दिया, यहाँ पे क्या किया डैश पे कर दिया, और ये वेज पे कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा, माइनर प्रोडक्ट कैसे है, कैसे देखेंगे हम, जो ये एच है ये कहाँ लगा हुआ है, फ्रंट साइड लगा, मतलब ये कहाँ पे हो गया, वेज पोजिशन पे हो गया, और जो मिथाइल है कहाँ पे हो गया, डैश पोजिशन पे हो गया। तो जो हमारे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है वो कहाँ से करेगा, स्मॉल ग्रुप वाली साइड से, तो स्मॉल ग्रुप कहाँ पे हमारा, वेज पोजीशन पे, मतलब स्मॉल ग्रुप वेज पोजीशन पे है, तो जो हमारा हाइड्रोजन आएगा वो भी वेज पोजीशन पे आएगा, मतलब हाइड्रोजन आएगा वेज पोजीशन पे आएगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट हमारा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बस स्टीरियो ड्रॉ कर देना ऐसे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैसे नहीं छोड़ना है, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें वापस से इसको ऐसी फॉर्म में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो क्या करना है, इस वाली कार्बन को तो सेम रखना है, और जो ये स्टार्टिंग में हमें गिवन था ऐसे ही कर देना। तो हमारे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे मिथाइल, और दो प्रोडक्ट कौन कौन से बने, वर्कअप करवाने के बाद यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, तो हो गया ओ एच एच सी एच थ्री प्लस में एच फिनाइल मिथाइल, एंड यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ओ एच डैश पे आ गया, एच वेज पे आ गया, और यहाँ पे आ गया मिथाइल। तो इसमें से हमारा ये प्रोडक्ट मेजर हो गया और ये प्रोडक्ट हमारा माइनर हो गया, ठीक है। सिमिलरली जो ऊपर वाला एग्जांपल हमने किया था उसमें भी ये क्या करना है, जैसे हमें गिवन है क्वेश्चन में ये वाली कार्बन को वैसे ही चेंज कर देना, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा। देखो एक तो यही रूल था कि हमने क्या किया, लार्ज ग्रुप था जो हमारा उसको हमने क्या किया, हमने उसको एंटी किया कार्बोनिल ग्रुप के साथ। अगर हमने इसको कार्बोनिल ग्रुप के साथ एंटी किया है तो जो न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक किया कहाँ से, स्मॉल वाली ग्रुप की साइड से, ठीक है। अगर आपको इसको करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, जो लार्ज ग्रुप है ये तो ये वाला रूल है हमारे पास, और एक रूल क्या है हमारा, जो लार्ज ग्रुप है उसको क्या कर देना, सिन कर देना कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमने सिन किया, और जो न्यूक्लियोफाइल है फिर वो अटैक करेगा कहाँ से, मीडियम साइड की तरफ से, मीडियम ग्रुप की तरफ से, जहाँ पे मीडियम ग्रुप जिस साइड लगाओ, वेज पे लगाओ, डैश लगाओ, तो वहीं से अटैक करेगा। देखो इसके एग्जाम्पल तो हमने कर लिया कि अगर ये एंटी होगा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हमारा एच है, यहाँ पे हमारा फिनाइल है, इसी का एग्जाम्पल ले जो मैंने ऊपर कराया था, और नीचे हमारा मिथाइल, ठीक है, कार्बोनिल, और ये सी एच थ्री, हमने एच नेगेटिव का अटैक करवाना है। अब देखो ये वाला हमारा ग्रुप है कौन सा, ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये कौन सा हमारा मीडियम ग्रुप है, तो मैंने इसको एम से लिख दिया, ये हमारा लार्ज है और ये हमारा स्मॉल है। अगर मैं इसको बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, सिन करना है, तो सिन कैसे करोगे, बस जैसे ये तीन है, ये देखो ऐसे है ना, ये तीन ऐसे है, ये फिनाइल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल हो गया। अब आपको क्या करना है, फिनाइल सिन में करना है, तो ऐसे कर दोगे, रोटेट कर दोगे, मतलब क्या हो गया, फिनाइल सिन में हो गया, ये हाइड्रोजन चला गया और ये मिथाइल हो गया, तो ऐसे इसको ड्रॉ कर दो, कैसे हो गया, फिनाइल यहाँ पे चला गया, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, मिथाइल यहाँ पे हो गया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच थ्री। अब देखो ये हाइड्रोजन पीछे डैश पे आ गया, मिथाइल आ गया तो वेज पे आ गया।
अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, मतलब एच नेगेटिव का जो अटैक होगा कहां से होगा, अगर ये इसके सिन है, ठीक है सिन है ना, तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो कहां से होगा, मीडियम साइड ग्रुप से। तो मीडियम साइड कहां पे हमारा वेज पे है, तो वेज से ही हमारा अटैक होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा मिथाइल हमारा, यहाँ पे लगा फिनाइल ओ एच, मतलब वर्कअप भी कर दिया मैंने। और जो हमारा हाइड्रोजन आया है वो हमारा डैश वेज से आएगा और ओ एच चला जाएगा हमारा डैश पे। तो देखो इसके बाद क्या करना है, ये हमारा क्या बना है, मेजर प्रोडक्ट बना है। अब क्या करना है, जो ये वाला फ्रंट वाला कार्बन है इसको इसके तरह रिप्लेस कर दो। कैसे बनेगा, यहाँ पे एच आया, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे मिथाइल, और जो ये ओ एच डैश पे है, एच हमारा वेज पे है, और ये हमारा सी एच थ्री है। अब इसको कंपेयर करो, जो ये मेजर वाला प्रोडक्ट है ये वाला, और जो हमने ऊपर मेजर प्रोडक्ट नया था ये वाला, देखो ओ एच डैश पे है, यहाँ पे भी ओ एच डैश पे है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप लार्ज ग्रुप का एंटी करो कार्बोनिल ग्रुप के साथ या लार्ज ग्रुप का सिन करो, सिर्फ बात ये है अगर एंटी करते हो तो न्यूक्लियोफाइल स्मॉल ग्रुप से अटैक करेगा, और सिन करते हो तो न्यूक्लियोफाइल जो है मीडियम साइज से अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है हमारा क्रैम्स रूल। अगर फिर भी आप कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।